पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जनक की टीआरपी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, तो कितनी हैप्पीनेस हो रही है आप लोगों को? पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच बहुत ज्यादा खुश है हम लोग, हमारी थैंक यू एवरीवन इनफैक्ट हमारी ऑडियंस, हमारे मेकर्स, हमारे राइटर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारी कास्ट, मीडिया, सबको थैंक यू बोलना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि अकेला कोई आगे नहीं बढ़ पाता, ये टीम वर्क है, सबकी मेहनत है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि जनक ऐसा शो है कि हर एक कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा ऑडियंस प्यार दे रही है, कमेंट्स में पूछती है कि क्या है, कोई नज़र नहीं आता तो पूछते क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं। नहीं, एक्चुअली इनिशियली हम सब बहुत डरे हुए थे कि सी नया शो है, कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, और टाइमिंग 10:30 का स्लॉट, सब बहुत डरे हुए थे, बट सब अब जैसे अब देख रहे हैं टॉप 3 में आ गया, तो समझ में आ रहा है कि हम सबकी वाइब्स, हम सब ने इस शो को टचवुड बहुत कुछ दिया है, आप सबसे बहुत प्यार मिल रहा है, उसका नतीजा यही है कि हम टॉप 3 में हैं, और यही कहना चाहूँगा कि हाँ ऐसे ही प्यार देते रहे बस शो को। बिल्कुल, हम लोग जैसा कि सनी ने कहा, हम लोग काफ़ी डरे हुए थे इनिशियली, 10:30 का स्लॉट था, कैसे होगा, क्या होगा, बट एक चीज़ है जो हमारे शो की राइटिंग है ना, उसका बहुत बड़ा हाथ है इस सारी टीआरपी के पीछे, बिकॉज इतनी अच्छी राइटिंग है और इतनी अच्छे से हमारे सीन्स जो लिखे जाते हैं, सारे ईच एंड एवरी कैरेक्टर हैज़ एन इन्वॉल्वमेंट इन इट, तो राइटिंग का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, इस शो को नंबर 3 पे लाने में। दिस इज व्हाट वी कॉल अ फैमिली शो, एब्सोल्युटली कंप्लीट फैमिली, यू कैन सी अ कंप्लीट फैमिली, यस बिल्कुल। ओके, सो किस तरीके का कॉम्बिनेशन है आप सभी लोगों का इसमें, सभी आर्टिस्टों का, लाइक बॉन्डिंग किस तरीके से है आप लोगों की? यार मैं सच बात बताऊं, मतलब मैंने टीवी में बहुत सारा काम किया हुआ है, बहुत सारे शोज किए हुए हैं, बट इतनी जल्दी जो हमारे पूरे यूनिट का, एक्टर्स का, डायरेक्टर, डायरेक्शन टीम और बाकी यूनिट भी, जो एक माहौल बना हुआ है ना यहाँ पे, इतना पॉजिटिव और इतना प्यारा माहौल है, किसी के अंदर कोई ईगो नहीं है, किसी के अंदर कोई क्लैश नहीं हो रहा है, किसी की कोई टैंट्रम्स नहीं है, हम लोग सारे, आप कभी आइएगा हमारे ब्रेक टाइम में, देखिएगा कि हम लोग सारी पूरी कास्ट एक साथ बैठ के एक ही रूम में डेली खाना खाते हैं, ऐसा नहीं आपको दिखाने के लिए, बट किसी से भी आप पूछ लीजिएगा हमारे यूनिट में, सारे एक्टर्स एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, और ये बड़ा कम होता है, और उसका आउटपुट यही है कि हम बहुत अच्छा शो रन कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी इफेंट बट नहीं है एक दूसरे को लेके, सबको अपने, अब ऐसा हो गया ना 6 महीने से शूट कर रहे हैं साथ में, तो एक इक्वेशन जो होती है सबकी एक ऑन ट्रैक है, तो उसका बेस्ट आउटपुट मिल रहा है सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसी चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग के सीन्स में वो चीज़ दिख के आती है, जिनका पॉजिटिव बॉन्ड है वो लोग पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव थोड़े साइड में, ग्रे शेड में है, नेगेटिव तो नहीं ग्रे शेड में है, तो उनका वैसा बॉन्ड है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे सीन में बहुत हेल्प करती हैं हम लोग। पहले तो मैं उन भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, बहन जी भी हो सकती है, हाँ बहन जी भी हैं, तो उनको सबसे बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक आइकॉनिक फिल्म के साथ हमारा कंपैरिजन किया है, बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, थैंक यू सो मच। बट आई बिलीव अगर हम लोग शोले का 50% तक भी पहुंच जाए ना, तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, बहुत बड़ी बात, अपने आप में ये कमेंट ही बहुत बड़ी बात है, तो थैंक यू सो मच। ओके, लाइक लास्टली फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों जन? फैंस के लिए मैसेज यही है कि अटूट प्यार करते रहिए, ऐसे टॉप 3 तक पहुंचे हैं, नंबर 1 तक भी आप ही माय बाप हैं, तो हम अपना प्यार, हम अपना काम अपनी शिद्दत से करते रहेंगे, बस वी नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट टू मेक इट दिस शो अ नंबर 1 शो, और आई एम श्योर वो बहुत जल्द हो जाएगा। थैंक यू, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और जनक को टीआरपी टॉपर बनाते रहिए, थैंक यू सो मच।